हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 8 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 7 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 7 देख लें। तो ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है? तो एक्चुअली में जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब एक गैस प्रेजेंट नहीं है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, इस तरह से मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें 3 गैस का मिक्सचर है ए बी सी का। तो गैस ए के द्वारा क्या प्रेशर एग्जर्ट होगा, गैस बी के द्वारा क्या प्रेशर एग्जर्ट होगा, गैस सी के द्वारा क्या प्रेशर एग्जर्ट होगा, यही जो है पार्शियल प्रेशर होता है। गैस ए के द्वारा क्या प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये जो है गैस ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। सिमिलरली गैस बी के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये गैस बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। और गैस सी के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये गैस सी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। इसमें एक और पॉइंट, ये सभी गैस जो है ये नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, मतलब ये आपस में रिएक्शन ना करे। ऐसा ना हो कि ए प्लस बी जो है आपस में रिएक्शन करके सी बना ले रहा हो, क्योंकि तब क्या होगा कि आप इस कंटेनर में तीनों गैस मिलाए लेकिन हो सकता है फाइनली सिर्फ गैस सी ही प्रेजेंट हो, अगर ए और बी अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिला है। जैसे अगर 1 मोल ए का मिला और 1 मोल ही बी का मिला है तो ये 1 मोल सी का बना लेगा। तो ए प्लस बी अगर 1:1 के रेशियो में रहेगा तो आपस में रिएक्शन करके सिर्फ सी ही बना लेगा, तो ए और बी रहेगा ही नहीं। तो इसलिए नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, नहीं तो गैस ए और बी है ही नहीं, तो इसका पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकाल लिएगा? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए क्या होगा, गैस ए के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है, वो जो है गैस ए का पार्शियल प्रेशर होगा। अब गैस ए ही नहीं रहेगा तो इसके द्वारा प्रेशर क्या एग्जर्ट होगा, 0 होगा, तो इसका पार्शियल प्रेशर आप नहीं निकाल सकते हैं। सिमिलरली गैस बी भी नहीं है तो पूछा जाएगा कि गैस बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो गैस बी है ही नहीं तो ये प्रेशर ही एग्जर्ट नहीं करेगा। प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए गैस बी होना भी तो चाहिए। अब जो है पार्शियल प्रेशर का डिफिनेशन देखते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए कि नॉन रिएक्टिंग गैस हो, जितना भी मिक्सचर हो गैसेस है वो आपस में रिएक्ट ना करे। और अगर इस कंटेनर में, ये जो कंटेनर जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें सिर्फ गैस ए पर्यंट रहता तो इसके द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, वही जो है पार्शियल प्रेशर हो जाएगा इस गैस ए का। सिमिलरली इस कंटेनर में अगर सिर्फ गैस बी पर्यंट रहता तो इसके द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होता, यही जो है पार्शियल प्रेशर हो जाएगा गैस बी का। सिमिलरली गैस सी अगर अकेले प्रेजेंट रहता है इस कंटेनर में तो इस गैस सी के द्वारा जितना प्रेशर एग्जर्ट होता वही जो है पार्शियल प्रेशर हो जाएगा गैस सी का। तो ये सब कंपोनेंट गैस है, मिक्सचर में से गैस सी का कंपोनेंट है, गैस बी का कंपोनेंट है, गैस ए का कंपोनेंट है, तो इसी को कंपोनेंट गैस बोलेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट गैस इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस कंपोनेंट गैस इफ होल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय दिस कंपोनेंट गैस ओनली एट सेम टेम्परेचर। वही पॉइंट है जो अभी बताए कि अगर किसी भी कंपोनेंट गैस के द्वारा ये पूरा वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई होता तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होता, वही जो है उस कंपोनेंट गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। मतलब अगर इस पूरे कंटेनर में गैस ए रहता तो इसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता वही जो है गैस ए का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में। पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस कंपोनेंट गैस इफ होल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय दिस कंपोनेंट गैस ओनली। तो अगर होल वॉल्यूम इसी कंपोनेंट गैस के द्वारा ऑक्यूपाई रहता तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता वही प्रेशर एग्जर्ट होगा इस कंपोनेंट गैस के द्वारा, और इस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट गैस बोलेंगे। मतलब गैस ए के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बोलेंगे। सिमिलरली गैस बी के द्वारा जो एग्जर्ट होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। अब जो है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए एक कंटेनर है जिसमें गैस ए, गैस बी और गैस सी फिलअप है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस इस कंटेनर में भरा हुआ है। एन ए, एन बी, एन सी, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ ए, बी और सी है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए है एन ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी गैस है एन बी, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सी गैस है एन सी। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो आपके पास ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम मान लीजिए वी और टेम्परेचर टी है, लेट वॉल्यूम भी एंड टेम्परेचर भी टी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इंटू आर टी अपॉन वी। क्यों, तो अभी बताए थे कि अगर इस पूरे कंटेनर में सिर्फ गैस ए जो प्रेजेंट रहता तो
तो इसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वही पार्शियल प्रेशर गैसे के द्वारा एग्जर्ट होगा। तो ये कंटेनर का वॉल्यूम भी है, इसमें गैसे पड़ियंट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एन ए है, तो एन ए मोल ए का पड़ियंट है, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, पी भी इक्वल टू एन आर टी, और पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस ए, तो इसी को पी ए लिख देते हैं, और एन क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, इस पूरे कंटेनर में सिर्फ ए मोल पड़ियंट रहता तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होता, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, तो इसी को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर डी टू ए इक्वल टू हो जाएगा एन ए आर टी अपॉन भी। सिमिलरली इसमें अगर सिर्फ बी गैस पड़ियंट रहता तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होता, वही जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे पी भी लेंगे, पी भी इक्वल टू एन आर टी, इसमें पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाई बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, क्योंकि इसमें बी पड़ियंट रहेगा तो क्या होगा, तो इसलिए एन भी हो जाएगा, तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इंटू आर टी अपॉन बी। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इंटू आर टी अपॉन बी। तो इस तरह से किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट गैस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो मिक्सचर के द्वारा कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है, तो मिक्सचर के लिए आइडियल गैस लगा दीजिए, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में प्रेशर ऑफ मिक्सचर इंटू वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर इंटू आर टी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो तीनों का नंबर ऑफ मोल ऐड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, ये जो है मिक्सचर का मोल आ गया। इस मिक्सचर में टोटल कितना मोल है, तो ए का एन ए मोल है, बी का एन बी मोल है, और सी का एन सी मोल है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों का मोल का सम कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर की जगह एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी रख दीजिए इंटू आर टी अपॉन भी, तो ये प्रेशर ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एन ए आर टी अपॉन भी प्लस एन वी आर टी अपॉन भी प्लस एन सी आर टी अपॉन भी, मतलब प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी प्लस प्रेशर ड्यू टू सी। तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो है वो होगा समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, ये जो है मिक्सचर के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होगा, यही है डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्सचर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट गैस, तो नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्सचर के लिए टोटल प्रेशर मिक्सचर का होगा पार्शियल प्रेशर का समेशन, डिफरेंट कंपोनेंट गैस का पार्शियल प्रेशर को अगर ऐड कर दीजिएगा तो ये टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि एक कंटेनर में ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, तो अगर ए जो है पी ए प्रेशर लगा रहा है, बी जो है पी वी प्रेशर लगा रहा है, सी जो है पी सी प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, पी ए प्लस पी वी प्लस पी सी, वही तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर होगा, प्रेशर ऑफ मिक्सचर पी ए प्लस पी वी प्लस पी सी, तो इस तरह से प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट गैसेस होता है। अब जो है दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, पी ए अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, और ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है, तो प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ सी अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पी वी आएगा तो यहाँ एन वी आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो पी वी अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। सिमिलरली पी सी अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मतलब प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैस, मतलब प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैस इनटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट गैस इनटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो अगर प्रेशर ऑफ मिक्सचर पता है, मतलब टोटल प्रेशर पता है और कंपोनेंट गैस का मोल फ्रैक्शन पता है, तो उस गैस का आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 1/2 है और टोटल प्रेशर 5 atm है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, कंपोनेंट गैस ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा 1/2 × 5, इस तरह से 2.5
एटीएम होगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए। तो इस तरह से भी आप किसी भी कंपोनेंट गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल मास ऑफ डी टू एंड ओ टू गैस आर मिक्सड इन एन, ये एम्प्टी नहीं, इसको इम्प्टी लिखिए यहां पे, इन एन इम्प्टी कंटेनर 825 डिग्री सेल्सियस द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर इजेक्टेड बाय द ऑक्सीजन इज। तो बोल रहा है कि एक इम्प्टी कंटेनर में डी टू और ओ टू का इम्प्टी मास मिक्स किया गया, तो ओ टू के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा ये आपको बताना है कि टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन जो है ओ टू के द्वारा एग्जर्ट होगा। तो आपको प्रेशर ऑफ ओ टू अपॉन टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, यही रेशियो तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ओ टू हो जाएगा, कि टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन जो है ओ टू के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है। तो ये क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस ए अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर बोलिए या प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू। तो इस कंटेनर में ओ टू का मोल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर दीजिए, यही हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन गैस। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, डी टू और ओ टू का इक्वल मास दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए कि एम ग्राम डी टू है और एम ग्राम ओ टू है, तो m ग्राम d2 अगर है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ d2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ d2 होगा m अपॉन, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 ग्राम होता है एक ड्यूटेरियम का, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम gmm, ड्यूटेरियम का 2 ग्राम और ट्यूटेरियम का gmm 3 ग्राम होता है, तो एक ड्यूटेरियम का मास 2 ग्राम, तो d2 है मतलब 4 ग्राम मास होगा, तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा m ग्राम में, m अपॉन gmm, तो m डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m अपॉन gmm ऑफ O2, और O2 का gmm होता है 32 ग्राम, तो O2 और d2 दोनों का नंबर ऑफ मोल पता चल गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ d2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए प्लस गैस बी प्लस गैस सी प्लस गैस सी, मतलब जितना मिक्सचर रहेगा सभी का टोटल नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे दो ही गैस है तो दोनों गैस का टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 32 अपॉन m डिवाइडेड बाय d2 4 प्लस m डिवाइडेड बाय 32, तो ये होगा 1 अपॉन 32 अपॉन 32 और ये 8 प्लस 1, मतलब 32 से 32 कैंसिल आउट 1 अपॉन 9। कहने का मतलब जितना प्रेशर O2 के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है उसका 9 टाइम्स टोटल प्रेशर होगा, मतलब D2 के द्वारा 8 टाइम्स ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा O2 से, तो टोटल प्रेशर 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा O2 से, तो वही 1 अपॉन 9 रेशियो आ रहा है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट 2 बार प्रेशर कंटेन्स 25% बाय वेट ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इन द मिक्सचर विल बी डैश बार। आपके पास जो है SO2 और CH4, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, इसका मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि 2 बार प्रेशर है, मतलब टोटल प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो है यह है 2 बार, और क्वेश्चन में दे रहा है कि 25% बाय वेट ऑफ मीथेन है, तो SO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा मिक्सचर में। तो मान लेते हैं इस कंटेनर में टोटल वेट जो है गैस का वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 25% CH4 होगा और 75% SO2 होगा, मतलब 25 ग्राम CH4 होगा, 100 ग्राम का 25%, 25 ग्राम CH4 और SO2 हो जाएगा 75 ग्राम, तो वेट पता चल गया, तो इससे आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। SO2 का GMM क्या होगा, SO2 सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, दो ऑक्सीजन है इसलिए, तो 32 प्लस 32 64, तो SO2 का
जीएमएम हो जाएगा 64, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय जीएमएम, तो 75 डिवाइडेड बाय 64, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 आ गया। सिमिलरली मीथेन का, मीथेन का जीएमएम होगा 12 प्लस 4 16, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 हो जाएगा 25 टोटल मास अपॉन जीएमएम 16, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल पता चल गया। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, 25 अपॉन 16 प्लस 75 अपॉन 64 अपॉन में 25 अपॉन 16 प्लस 75 अपॉन 64, तो ये होगा 75 अपॉन 64 अपॉन, यहाँ नीचे 64, 100 प्लस 75, 100 प्लस 75, तो ये 75 अपॉन 175, 25 इंटू 3, 25 इंटू 7, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 आ गया 3/7। और हमको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट गैस होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट गैस इंटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर, या फिर बोल सकते हैं टोटल प्रेशर। कहने का मतलब प्रेशर ऑफ SO2 अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2, तो प्रेशर ऑफ SO2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इंटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये वाला फॉर्मूला। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस इक्वल टू दिस इंटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर पता है 2 bar, और मोल फ्रैक्शन आ गया 3/7, तो आंसर होगा 6/7 bar, 3/7 × 2, तो यह आ जाएगा 6/7 bar, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इन द मिक्सचर विल बी 6/7 bar। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ O2 एंड N2 बी गिवन इक्वल टू 10 g/mL STP। ये जो है एक्चुअली में दिया हुआ रहेगा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये दिया हुआ रहेगा, तब आपको प्रेशर ऑफ O2 बताना है कि क्या होगा। मतलब ये मान लेते हैं कि O2 और N2 का मिक्सचर का डेंसिटी दिया हुआ है x g/mL, तो O2 के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा ये आपको बताना है। तो STP मतलब STP पे क्या होता है, अगर 1 mole गैसियस मिक्सचर रहेगा तो इसके द्वारा 22,400 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, और 1 mole का वेट होगा GMM, मतलब O2 और N2 के मिक्सचर का जो ग्राम मोलिकुलर मास होगा वही वेट हो जाएगा 1 mole गैस का, तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर 1 mole गैस रहेगा तो वॉल्यूम इतना होगा, अगर 2 mole हो जाएगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। करने का मतलब अगर एक्स मोल है तो वॉल्यूम भी 22,400 x हो जाएगा, तो मास x से मल्टीप्लाई होगा, तो x मोल का मास कितना होगा, GMM इंटू एक्स अपॉन वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा x मोल का 22,400 × x, 22,400 × x। करने का मतलब 1 mole मान के भी आप कर सकते हैं, x इसलिए माने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक ही क्यों मान रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए एक मानते हैं। तो डेंसिटी हो जाएगा GMM ऑफ मिक्सचर अपॉन 22,400। अब इसके बाद जो है हमको O2 और N2 का कंपोजिशन भी बताना पड़ेगा। कहने का मतलब कि एक कंटेनर में O2 और N2 जो है इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, या तो ये बता दे या फिर O2 का कितना नंबर ऑफ मोल है और N2 का कितना नंबर ऑफ मोल है ये बता दे। GMM ऑफ मिक्सचर क्या होगा, GMM ऑफ मिक्सचर होगा मास ऑफ O2, मतलब GMM ऑफ O2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस GMM ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, या फिर इसको 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 लिख सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू 1 होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा। ये GMM का फॉर्मूला हम बताए थे ना कि एवरेज GMM निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि O2 का P मोल है और N2 का Q मोल है, तो उस केस में एवरेज के लिए करेंगे टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो O2 के कारण मास हो जाएगा मास ऑफ O2 इंटू P, क्योंकि 1 mole का मास होता है GMM, और P मोल है तो P इंटू GMM, मतलब P इंटू GMM ऑफ O2।
सिमिलरली एन टू के केस में एक मोल का मास होता है जी एम एम ऑफ एन टू इंटू क्यू, तो मास ऑफ ओ टू आ गया इतना, मास ऑफ एन टू आ गया इतना, तो टोटल मास हो जाएगा मास ऑफ ओ टू इंटू पी प्लस मास ऑफ एन टू इंटू क्यू अपॉन टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल है पी प्लस क्यू, यही तो होता है मास ऑफ ओ टू इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस मास ऑफ एन टू इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू ही तो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ एन टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, मतलब नंबर ऑफ ओ टू प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एन टू, और इसी को हम लिख सकते हैं वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू। कहने का मतलब यहां से हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू आ जाएगा, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू। क्यों? क्योंकि डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी को 22,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीएमएम आ जाएगा, और जीएमएम ऑफ मिक्सचर ये पता है ये इक्वल टू मास ऑफ ओ टू, जीएमएम होता है 32 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू प्लस मास ऑफ एन टू 28 इंटू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू, एक ही अननोन है सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू, जीएमएम ऑफ मिक्सचर यहाँ से फाइंड आउट हो गया, तो यहाँ से कुछ आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू का वैल्यू, वो डिपेंड करेगा कि जीएम सॉरी डेंसिटी क्या दिया हुआ है इस बात पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू आ गया, तो क्या पूछ रहा है, प्रेशर ऑफ ओ टू, तो प्रेशर ऑफ ओ टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू इंटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू इंटू 1 atm। अब आप बोलिएगा कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर तो 1 atm नहीं दिया हुआ है, कहने मतलब टोटल प्रेशर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशन, एसटीपी या एनटीपी पे प्रेशर 1 atm होता है, मतलब टोटल प्रेशर 1 atm इनडायरेक्टली दिया हुआ है, एसटीपी लिखने का यही मतलब हुआ, प्रेशर 1 atm है, तो टोटल प्रेशर 1 atm है, तो प्रेशर ऑफ ओ टू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू फाइंड आउट करने के बाद। तो यहाँ से आप इस तरह से अगर डेंसिटी किसी भी गैसियस मिक्सचर का एसटीपी पे दिया हुआ हो तो आप उस गैसेस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद ये दो क्वेश्चन है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लास्क ऑफ 2.8 लीटर कैपेसिटी, खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा अति नहीं है, अगर हम हिंट दे ही देंगे तो फिर खुद से अटेम्प्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, खुद से सोचिएगा, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।